ग्रीटिंग्स एवरी वन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। और हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के पार्ट टू पे अब हम आ गए हैं। पार्ट टू में हम डिडक्शन फ्रॉम वेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने वेजेस क्या होती हैं वो देख लिया, इसके पहले इंडस्ट्रियल सो फार वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, राइट। वी हैव ऑल्सो सीन हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज टू पे द वेजेस एंड लाइक वाइज, करेक्ट है। तो अभी हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे कि अब इन वेजेस का डिडक्शन, जो पैसा काटते हैं वो कैसे काटते हैं। द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन टू बी पेड टू हिम विदाउट डिडक्शंस ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दोज ऑथराइज्ड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दिस पर्टिकुलर लाइन टेल्स अस दैट किसी भी तरह का पैसा आपका नहीं काट सकते अनलेस एंड अंटिल what has been the case, unless and until it is allowed under payment of wages act, right? Section 47 of Indian Railways Act 1890 is different. So अभी तक हमने अपने lectures में यही देखा है दोस्त कि जो railway establishments हैं, railways को industrial establishment consider किया जाता है, but different तरीके से treat किया जाता है। Kind of deductions, the following kind of deductions are permitted under the act. सबसे पहला है फाइन। सेक्शन 8 कहता है कि आपको आपके ऊपर अगर फाइन लगा रहा है कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट तो वो डिडक्शन के अंडर आएगा। पहला क्लॉज, नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन एक्सेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑमिशंस ऑन हिज पार्ट एज द एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे हैव बीन स्पेसिफाइड बाय अ नोटिस। बहुत सिंपल है कि कोई भी काम करवाने वाला व्यक्ति आपको नोटिस दे रहा है एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई को नोटिस दे रहा है कि तुम कुछ चीजें You can do something, there are certain don'ts. And if you do it, आपके ऊपर fine लगेगा. But this must be done with respect to, this must be done by under state government guidelines. Right? If you talk about option B, the notice specifying the acts and omissions for which fines may be imposed shall be exhibited in the prescribed manner on the premises or the place in which the employment is carried on. This is also very important. जहाँ पे acts और omissions जिनके ऊपर fine लग सकता है उनको आपके premises में industrial establishment के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे सूचना को लगाना पड़ता है। No fine shall be imposed on an employed person until he has given an opportunity of showing cause against the fine. यानी अगर आपको फाइन इम्पोज किया है आपके ऊपर तो एक बार आपसे एक्सप्लेनेशन जरूर मांगा जाएगा। आपको फाइन को डिसप्रूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन मांगना जरूरी है। कंपनी सिर्फ फाइन नहीं लगा सकती, अगर आप कह रहे हो आपके पास कोई जस्टिफाइड रीजन है तो कंपनी सिर्फ आप पे फाइन नहीं लगा सकती। Total amount of fine in any one wage period on any employed person shall not exceed 3% of the rupee pages payable to him in respect of that wage period. जितने दौर में आपका वेज पीरियड है, तो वेज पीरियड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वेज पीरियड यानी एक महीने में जो फाइन लगा रहे हैं, राइट, एक पर्टिकुलर फाइन लगा रहे किसी वायलेशन के लिए, दैट कांट बी मोर देन 3%, वेरी इंपॉर्टेंट, 3% ऑफ द वेजेस, राइट, पेबल टू हिम इन दैट वेज पीरियड। अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, लेट्स से वेज पीरियड की सैलरी 10,000 रुपए है, तो उसके ऊपर जो भी फाइन लगेगा वो 3,000 प्लस नहीं हो सकता, कांट एक्सीड 3,000, 3% वुड बी 3,000, राइट, सॉरी, अरे देखा 10,000 का 3% कितना हो जाता है, सॉरी 300 रुपए, सॉरी वो तो 30% है, यस 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 300 रुपीज, माई मिस्टेक
300, राइट। अरे कभी कभी कॉमन सी चीजें मिस हो जाती है। ऑप्शन डी याद रहेगा, नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 15 साल के नीचे की आयु के लो वर्कर्स पे। क्या लगता है? फाइन नहीं लगता है। नो फाइन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज। नो फाइन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम विच इट वॉज इम्पोज। फाइन लगाने के 60 दिन बाद आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। आप फाइन का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में नहीं डिडक्ट कर सकते, नहीं ले सकते। आपको एक बार में ही देना पड़ता है फाइन, करेक्ट। एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज ऑन द डे ऑफ द एक्टर ऑमिशन। जिस दिन आपने कुछ ऐसा काम किया, एक्ट और ऑमिशन किया, उसी दिन फाइन को लगाया जाएगा। ऑल फाइन्स एंड रियलाइजेशंस देयर ऑफ शैल बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर टू बी केप्ट बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऑल रियलाइजेशन ऑफ फाइन्स शैल बी अप्लाइड ओनली टू सच पर्पजेस एज बी बेनिफिशियल टू पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइन्स, राइट। जब आपके ऊपर फाइन लगाया है तो ये फॉर्मेट है फाइन के अंडर डिडक्शन करने का। अब मान लीजिए कि आप ऑफिस जाए ना, आप अपने इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पहुंचे ही ना, तो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के संदर्भ में जो डिडक्शन होता है वो भी सेक्शन 9 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है। डिडक्शंस जो हैं वो एब्सेंस के बेसिस पे कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर हैव अ ड्यूटी टू बी प्रेजेंट और वेयर यूर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूजली रिक्वायर यू टू बी प्रेजेंट। सो डिडक्शंस कैन बी देयर। एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एबसेंट। कब माना जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत, कब माना जाता है कि आप काम से एबसेंट हो? तो आप अपने काम से तब एबसेंट होते हो जब आप मना कर दो काम करने से। ही रिफ्यूजेस टू कैरी आउट हिज वर्क इन परजुवेंस ऑफ अ स्टे इन स्ट्राइक और एनी अदर कॉज विच इज नॉट रीजनेबल। किसी भी कारण की वजह से अगर आपने काम करने से मना कर दिया, चाहे आप स्ट्राइक पे चले गए ऑफिस में रह के या किसी और कारण की वजह से जो कि जस्टिफाइड नहीं है, आपको माना जाएगा कि आप ड्यूटी से एबसेंट हो। द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फॉर एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी एंड विच वेजेस पेबल शैड नॉट एक्सीड द रेशियो बिटवीन पीरियड ऑफ एबसेंस एंड द टोटल पीरियड विद इन विच सच पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया 10,000 रुपए मिलते हैं 30 डेज के वेज पीरियड पे, राइट। तो आपका एबसेंट लेट से 3 डेज आप काम करने से मना कर दिए या नहीं आए 3 दिन, तो 3:30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10,000। इस तरीके से आपका डिडक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। एक्स इज इक्वल टू 3:10,000 अपॉन 30, राइट। 3:10,000 अपॉन 30, दैट समहाउ मेक्स इट 31,000 रुपीज। आर यू क्लियर विद दिस फैक्ट और नॉट? आर यू क्लियर? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्रपोर्शन जो है, रेशियो प्रपोर्शन यहां पे लगेगा और लगभग यही चीजें रहेंगी। एक बार और आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए आपको कितना कर रहे हैं, 10,000 पे कर रहे हैं, तो एक दिन में आपको कितना पे कर रहे हैं, 10,000/30, करेक्ट है, 1 डे का पेमेंट। और आपको 3 दिन का पेमेंट काटना है तो 3 डेज का पेमेंट डिडक्शन हो जाता है 10,000/23 × 3, तो ये हो गया एक, ये 10, 0 से 0 कट गया, 1,000 रुपये आपका 3 दिन का कटेगा। इससे ज्यादा डिडक्शन एब्सेंस का नहीं होना चाहिए। ये रेशियो की बात हो रही है, राइट। यहां से एमसीक्यू बन सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये एमसीक्यू बन सकता है, याद रखेंगे। इफ हाउएवर 10 और मोर पर्सन्स एक साथ फैसला लेके अपने आप को गायब करते हैं बिना नोटिस दिए, बिना रीजनेबल कॉज बताए, द डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी फ्रॉम एनी सच पर्सन में इंक्लूड सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस फॉर 8 डेज एज मे बी ड्यू टू द एम्प्लॉयर इन लियू ऑफ नोटिस। यानी अगर 10 वर्कर्स एक साथ
या 10 से ज़्यादा वर्कर्स एक साथ बिना नोटिस दिए, बिना रीजनेबल कॉज के अपने आप को ड्यूटी से एब्सेंट करते हैं, तो 8 दिन तक का सैलरी जो है वो काटा जा सकता है एक एक आदमी का, राइट। तो ये तो हो गया डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, दैट इज योर सेक्शन 9। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 स्टेट्स दैट इफ देयर इज एनी डैमेज ऑफ लॉस देन व्हाट विल बी द डिडक्शन। सेक्शन 10 तो कह रहा है कि एक डिडक्शन फॉर डैमेज या लॉस या गुड ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली एंट्रस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी फॉर लॉस ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट कैन बी मेड वेयर सच लॉस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हिज नेगलेक्ट और डिफॉल्ट। यानी कि कुछ काम अगर उसको करना था, ध्यान रखना था, और वो अपने काम में नेग्लिजेंट था, तो नेग्लिजेंस के बेसिस पे कंपनी अपने लॉस को रिकवर कर सकती है आपके वेजेस में कटौती करके, डिडक्शन करके। अ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस कॉज टू द एम्प्लॉयर बाय हिज नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट। आप एम्प्लॉयी से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं क्लेम कर सकते, जितना आपको अमाउंट में डैमेज हुआ है उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन उसकी सैलरी से तो नहीं काट सकते। एम्प्लॉयी के पास ये अधिकार रहता है कि वो आपकी सैलरी से डिडक्शन करेगा लेकिन आपकी सैलरी से अमाउंट ऑफ डैमेज से ज़्यादा डिडक्शन नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ड्राइवर को किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ने कार दी है और उसने नेग्लिजेंटली चलाया और एक टायर फट गया, तो एक टायर की कीमत अगर 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये ही उसकी सैलरी से काटोगे। ये नहीं कर सकते कि अगर मैं ड्राइवर को ये नहीं कह सकते कि अगर तुमने गाड़ी नहीं ठोकी होती, टायर नहीं फटा होता, तो 10,000 का मैं बिजनेस कर लेता और मैं तुम्हारे अब 10,000 काटूंगा। इट कांट बी डन लाइक दैट, करेक्ट है, ये क्लियर रखिएगा। अ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस शैल नॉट बी मेड अंटिल द एम्प्लॉयड पर्सन हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी अगेन ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द डिडक्शन। कोई भी लॉस, कोई भी डैमेज किया है तो बिना नोटिस के नहीं करेंगे और एक एम्प्लॉयी को समय देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आपके पास आके अपना केस क्या कर सके दोस्त, समझा सके, बता सके। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो सारे डिडक्शन, सारे रियलाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डैमेज या लॉस जो है वो सब रजिस्टर में मेंटेन किए जाएंगे और उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाएंगे जो वेजेस आपकी देता है, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूजली होता है। और उसके बाद एकोमोडेशन और सर्विस, रहने खाने के लिए और जो सर्विस आपको मिल रही है उसके संदर्भ में भी सेक्शन 11 अलाउ करता है कि आपके सैलरी से पैसा काटा जा सकता है। यानी कि अगर आपकी कोई ड्रेस बननी है, लेट से अगर आपकी कोई ड्रेस कोड है और आपके कपड़े बनने हैं और कपड़े बनने के लिए अगर कपड़ा का पीस कंपनी ने दे दिया, तो सिलवाई के पैसे अगर आपसे काट रही है या कपड़े के पैसे आपसे काट रही है, तो वो आपके सर्विस और एकोमोडेशन का पार्ट आ जाएगा, वो आपके पेमेंट्स वेजेस से कट सकता है। और डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस, वो भी एक तरह का डिडक्शन है। रिकवरी ऑफ लोन्स, वो भी एक तरह का डिडक्शन है। पेमेंट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इंश्योरेंस स्कीम, वो भी एक तरह का डिडक्शन है, राइट। अदर डिडक्शंस के अंडर कई कैटेगरीज हैं, इलीगल डिडक्शंस, और ये सारी चीज़ें हमको देखनी है अभी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिएगा बिकॉज डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। और अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आपके लिए ये जानकारी रखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस केस में आपका पैसा काट सकते हैं ये लोग, राइट। ऑल राइट, डिडक्शंस फॉर हाउस एकोमोडेशन एंड एम्यूनिटीज एंड सर्विस सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। डिडक्शंस कैन नॉट बी मेड अनलेस सच सर्विस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड पर्सन एज अ टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप हाउस एकोमोडेशन और एम्यूनिटीज के लिए और सर्विसेज के लिए पैसा काट सकते हो, लेकिन आप तब तक नहीं काट सकते जब तक कि घर लेने की रजामंदी एम्प्लॉयी ने ना दी हो, काम करने वाले ने ना दी हो। काम करने वाला कह रहा है कि मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरा हाउस अमाउंट मत काटो, तो आप जबरदस्ती उसका घर का पैसा नहीं काट सकते ये कह के कि बेटा तुमको घर तो लेना ही पड़ेगा। इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। सर्विसेज डू नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड नो डिडक्शन कैन बी मेड इन दैट रिस्पेक्ट। यानी सर्विसेज की बात करें तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि टूल्स और रॉ मटेरियल्स तुमको दिए हैं हमने काम करने के लिए, उसका हम पैसा काट रहे हैं। रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। सर्विसेज डू नॉट इंक्लूड द सप्लाई ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नो डिडक्शन कैन बी मेड इन दैट रिस्पेक्ट।
The amount of deduction cannot exceed an amount equivalent to the value of house accommodation, amenity or service supplied. उतना पैसा आप नहीं काटोगे. अगर आप कह रहे हो कि मंथली रेंटल उस घर का 5,000 है जहां तुम रहते हो, पर तुम्हारी सैलरी से डिडक्शन करना है 6,000, तो ये 1,000 एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, राइट. एमिनिटीज एंड सर्विसेज मस्ट बी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय अ जनरल और अ स्पेशल ऑर्डर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है. यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या बना सके इस संदर्भ में, एमिनिटी सर्विसेज के संदर्भ में जो डिडक्शन है उनके लिए रूल्स बना सके. रिकवरी ऑफ एडवांस सेक्शन 12 में है, डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस और एडजस्टमेंट्स ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. यानी किसी भी तरह का एडवांस लिया, सैलरी एडजस्ट करा रहे हो या ओवर पेमेंट कर दिया है वेजेस का, तो इन कंडीशंस में उसको भी हम डिडक्ट करके बैलेंस आउट कर सकते हैं. रिकवरी एक एडवांस के पैसे की बात करें, पैसा एडवांस में दिया है काम करने के पहले, तो फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस से होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट वेज पीरियड. बट नो रिकवरी कैन बी मेड ऑफ सच एडवांस गिवन फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस. अभी देखिए यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्लॉज है हमारे सामने. सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट टू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिडक्शन वाला पार्ट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हम रिकवरी और इसकी बात कर रहे हैं, डिडक्शन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांस. तो यहाँ पे हमने देखा सेक्शन जो 12 है उसके पहले क्लॉज में कि अगर पैसा एडवांस में दिया गया है काम करने के पहले, तो आपके पहले ही पेमेंट ऑफ वेजेस से कट जाएगा, राइट, आपका एडवांस जो भी दिया गया है. लेकिन अगर कोई ट्रैवल पर्पसेस से आपको पैसा दिया गया है तो वो आपके वेजेस से एडवांस की तरह नहीं कटेगा. एडवांस की रिकवरी करने के लिए उसी तरीके से करेंगे जैसा स्टेट गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है. रिकवरी ऑफ एडवांसेस ऑफ वेजेस नॉट ऑलरेडी अर्न शैल बी सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. The state government may regulate the extent to which such advances may be given, the installments by which they may be recovered at the rate of interest that may be charged on such advance. Recovery of loans की अगर हम बात करें, section 12A की अगर हम बात करें, तो deduction for recovery of loans from any fund constituted for the welfare of labor and the interest due in respect thereof can be made provided the fund is constituted in accordance with the rules approved by the state government. आपको किसी भी loan के रिकवरी के लिए कोई ऐसे फंड से जिसको वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए बनाया गया है, उससे मान लीजिए आपको थोड़ा पैसा दिया गया और उसमें इंटरेस्ट लगा के आपको पैसा दिया गया, तो वो आपके फंड से मतलब वो आपके वेजेस से डिडक्ट किया जा सकता है उसी नियम कानून के हिसाब से जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहती है. डिडक्शंस कैन बी ऑल्सो मेड फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड फॉर बिल्डिंग योर हाउस और अदर पर्पसेज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट देयर इन. यानी कि आप अपने निजी संबंधों के कार्य के लिए भी लोन ले सकते हैं और आपका स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए कंपनी हमेशा अपने पास क्या रखेगी, एक अकाउंट रखेगी. डिडक्शंस फ्रॉम पेमेंट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करें सेक्शन 13 की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है या स्कीम ऑफ इंश्योरेंस जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा मेंटेन की जाती है, उसके कंटेक्स्ट में डिडक्शन हो सकता है. डिडक्शन मेड विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम ऑन हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू LIC, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट गवर्नमेंट बींग डिपॉजिटेड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन फर्दरेंस ऑफ एनी सेविंग स्कीम ऑफ सच गवर्नमेंट. उससे रिलेटेड भी क्या कर सकता है आपका एम्प्लॉय, डिडक्शन कर सकता है. अगर आपकी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है जो कटना है, LIC का पॉलिसी आपने ले रखा है कंपनी के बिहाफ पे या कंपनी ने आपके बिहाफ पे, सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में कोई भी चीज जो है वो जमा है, तो क्या हो सकता है आपका जो पेमेंट है वो कट सकता है. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अभी तक हमने डिडक्शन जो है वो अपना कंप्लीट किया है और अब हम कुछ अतिरिक्त और तरह के डिडक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि इस एक्ट के अंदर परमिसिबल है. तो आपके सैलरी से, आपके वेजेस से इनकम टैक्स का डिडक्शन हो सकता है. कोई कोर्ट के आदेश से अगर डिडक्शन हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं. किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1995 अप्लाई हो या कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो उसमें कंट्रीब्यूशन अगर जा रहा है तो भी डिडक्शन हो सकता है. इंश्योरेंस प्रीमियम, फाइडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स, उससे रिलेटेड डिडक्शन हो सकता है. वेजेस और लेबर लॉस की बात करें तो उसके अंदर जो डिडक्शन है वो रिटन ऑथराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा किया जाएगा. अगर वो ऐसा कहता है कि मैं किसी भी फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हूँ जो कि या तो ट्रेड यूनियन चला रहा है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑब्वियसली एम्प्लॉयज या मेंबर उनकी फैमिलीज के लिए,
जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सहमति दे दी है तो वो क्या होगा, डिडक्शन किया जा सकता है। वेजेस एंड लेबर लॉस के अंदर डिडक्शन होता है अगर किसी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत कोई लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई के लिए उसने एक वेलफेयर फंड बना रखा और आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिडक्शंस रिटर्न ऑथराइजेशन एम्प्लॉयड पर्सन के साथ होंगे। फॉर पेमेंट ऑफ द फीस पेबल बाय हिम फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, यानी कि ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के लिए अगर कोई डिडक्शन है, कोई डिडक्शन है जो कि किया जा सकता है तो वो भी डिडक्शन परमिसेबल है। लॉसेस के रिकवरी के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड पर्सन अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है काउंटरफीट और बेस कॉइंस फॉर्ज करेंसी नोट्स तो क्या हो सकता है, डिडक्शन किया जा सकता है। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन इनवॉइस टू अ बिल टू कलेक्ट और टू अकाउंट फॉर द एप्रोप्रिएट चेंजेस। सो डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस कैन ऑल्सो बी देयर इफ 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 द लॉसेस इज बिकॉज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन टू इनवॉइस द बिल, यानी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में अगर कोई लॉस हुआ है तो भी क्या हो सकता है, आपसे डिडक्शन कराया जा सकता है। फर्दर हम बात करते हैं डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी रिबेट्स और रिफंड्स इनकरेक्टली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन तो भी आपका डिडक्शन हो सकता है। रिटर्न ऑथराइजेशन एम्प्लॉयड पर्सन की लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या कोई भी ऐसा फंड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसके कंटेक्स्ट में भी डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ इफ एम्प्लॉइज, डिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाय दिस। नाउ द लिस्ट ऑफ डिडक्शन दैट आर गिवन इन द सेक्शन 7(2) कह रहा है कि एग्जॉस्टिव है, इससे ज्यादा कुछ आपके पास डिडक्शन करने का स्कोप नहीं है, एम्प्लॉयर डिडक्शन नहीं कर सकता है। अगर कोई एनी डिडक्शन जो कि एम्प्लॉयर क्लेम करता है कि अगर एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं यार कोई और भी डिडक्शन है जो हमें करना है तो अल्टीमेटली वो डिडक्शन करने का पूरा बर्डन है एम्प्लॉयर के ऊपर ही, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। इस पूरे एक्ट में देर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट लिमिटिंग द पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉयर शुड मेक द डिडक्शन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, पैसा अगर ज्यादा दे दिया उसके कंटेक्स्ट में कब तक उसको पैसा काट लेना है इसके बारे में कोई लिमिटिंग पीरियड नहीं है। आप एक चीज याद रखेंगे, टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है, सिर्फ 60 डेज की बात की गई है कि कोई भी फाइन अगर लगाया है फाइन तो 60 दिन के बाद उसको रिकवर नहीं कर सकते। Every payment by the employed person to the employer or his agent shall be deemed to be a deduction. कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने काम कराने वाले व्यक्ति को कोई भी पैसा दे रहा है तो हम उसको wages नहीं बोलते हैं, हम उसको deduction बोलते हैं। किसी भी तरह का any loss of wage resulting from the imposition for good and sufficient cause upon a person employed of any of the following penalties shall not be deemed to be a deduction from any wages. अगर किसी भी तरीके का loss जो कि अच्छे हित के लिए फायदे के लिए किया गया है तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्शन की तरह नहीं कैलकुलेट करेंगे, पेनाल्टी को डिडक्शन की तरह नहीं कैलकुलेट किया जाता है। दीज पेनाल्टीज आर सस्पेंशन विथहोल्डिंग और इंक्रीमेंट और प्रमोशन, ये पेनाल्टी है सस्पेंशन, सैलरी रोक लेना, सैलरी इंक्रीमेंट रोक लेना, प्रमोशन रोक लेना, ये सब डिडक्शन नहीं है, ये पेनाल्टी है। इलीगल डिडक्शन, अगर आप सेक्शन 7 के बियॉन्ड जाके डिडक्शन करते हैं तो वो इलीगल डिडक्शन हो जाता है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन पे लिमिट जो लगी हुई है वो हम आपको बता चुके हैं कि एक वेज पीरियड में जो सभी तरह का डिडक्शन कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके का डिडक्शन करें, टोटल अमाउंट अल्टीमेटली डिडक्शन किया, चाहे फाइन के स्वरूप में किया हो, चाहे आपने इंश्योरेंस के लिए किया हो, कंसेंट ऑफ एम्प्लॉई के तरह किया हो, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन के लिए किया हो, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के लिए किया हो, इनकम टैक्स इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए किया हो, 75% ऑफ द इंटायर वेज से ज्यादा नहीं जा सकता, होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। इन एयर इन अदर केसेस द डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ सच वेजेस कॉन्ट्रैक्ट बाय विच 20 डिडक्शंस दोज ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 23 इस एक्ट का कहता है कि 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी मोर देन 50% एंड अदर केस में 75%। देयर इज हाउएवर नो प्रोविजन इन द एक्ट लिमिटिंग द पीरियड विद इन विच द एम्प्लॉयर शुड मेक द डिडक्शन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस। सेक्शन 13A में कह रहा है कि हर एम्प्लॉयर को ऐसा रजिस्टर और ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जहां पे एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा
काम कितना किया, वर्क परफॉर्म बाय द पर्सन एम्प्लॉयड, द वेजेस पेड टू हिम, द डिडक्शन मेड फ्रॉम हिज वेजेस, द रिसीट्स गिवन बाय हिम, ये चार तरह की सूचना जो है वो बना के रखेंगे. द रजिस्टर्स एंड द रिकॉर्ड शैल बी इन सच अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दे शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, एट लीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री. 3 साल तक वो रजिस्टर को क्या करना है, मेंटेन करना है. यहां से भी MCQ बन सकता है. आर वी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट? Thank you so much. In the next lecture, we are going to discuss about inspectors and their powers. Payment of Wages Act में inspectors और उनकी powers क्या दी हुई हैं, इसको हम विस्तार से देखेंगे. Please हमारे channel से जुड़े रहें, बने रहें. अगर ये lectures आपको आपके EPFO exam में labor laws से तहत आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे channel को subscribe कर लें, comment section में thumbs up भेजें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के. और आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ कंप्लेंस हैं, कुछ शिकायतें हैं, और कुछ अगर खुशी के पल हैं आपके जो आप कुछ बात हमसे करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रॉक्सी ज्ञान के चैनल में कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हर्षवर्धन त्रिपाठी को संबोधित करते हुए ज़रूर अपने दिल की बात करें. हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का, आपके सुझावों का हम जल्द से जल्द पालन करें, उनको इनकॉर्पोरेट करें और आपकी सेवा में तत्पर रूप से तैयार रहें. This was Harshvardhan Tripathi. I'll see you guys in the next lecture video for Payment of Wages Act 1936.